कमेटी को भेजा जाए, क्या इस पर रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं साहब, इसके लिए तो मुस्लिम महिलाएं आगे निकल के आई हैं। ये बात तो मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि 3 तलाक पर रोक लेनी चाहिए। अब कैसे कि किसी आदमी की पत्नी ने खाना बनाते समय नौजादा हो गया या कम हो गया, सब तलाक, इंटरनेट पे तलाक, व्हाट्सएप पे तलाक, तलाक नहीं वो खेल हो गया, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाती है किसी लड़की। हम इसका विरोध कर रहे हैं, पूरा मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे देश की 90% मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध करें, कहने ये होना चाहिए कानून। केवल वो लोग जिनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है उन्हें हर बात में इनकार करना है, चाहे जितनी अच्छी बात कहें वो उसका विरोध करें, तो उनके विरोध की चिंता नहीं। कांग्रेस खुलकर के क्यों नहीं कहती? समाजवादी पार्टी खुलकर के विरोध क्यों नहीं करती कि साहब हम 3 तलाक के विरोध में हैं, हम पक्ष में हैं कि साहब 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, दंडनीय अपराध हम बनाने जा रहे हैं उसे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी, फिर भी हो रही तलाकें, तो हम उन तलाकों को भी रोकना चाहते हैं। हम इसके साथ साथ हलाले को रोकना चाहते हैं, हलाला जो जबरदस्ती हलाला कराया जाता है, जबरदस्ती तलाक दी जाती है। मैं जो नमाज पार्क में पढ़ने से रोक लगाई है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सार्वजनिक स्थल पे आप जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो आप परमिशन लेंगे उसकी, वो बिना परमिशन के पार्क में पढ़ रहे थे नमाज। नमाज पढ़ने के लिए कोई पार्क की जगह नहीं है, जब चाहिए आप जहाँ चाहिए नमाज पढ़ लीजिए, जुमे के दिन एक दिन पढ़ना आपको 15-20 मिनट में नमाज हो जाती, उसके लिए सांप्रदायिक माहौल प्रदेश का बिगड़े, हमें खुद भी हमारी जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा था, और इस देश का 95% मुसलमान चाहता है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। केवल जो ये 2-3% लोग हैं न्यूसेंस है, जिनकी रोजी रोटी चल रही है वही इसके खिलाफ है। नहीं तो नहीं, मैंने आपका जवाब दे दिया, मैंने योगी जी ने कहा, योगी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, योगी माननीय योगी जी ने कहा है।